हेलो गाइस, आज के वीडियो में हम बताने वाले हैं कि जो हमारा सैमसंग गैलेक्सी A04S फ़ोन है, तो सैमसंग गैलेक्सी A04S फ़ोन की फाइल ऑप्शंस पे जाकर जो हमारे फ़ोन में फ़ोटोज़ एंड वीडियोस हैं, तो फ़ोटो एंड वीडियोस को आप हाइड कैसे कर सकते हैं और कैसे आप शो कर सकते हैं फ़ोटो वीडियोस को हाइड करके, तो आज हम वीडियो में बताने वाले हैं फोटो वीडियोस को शो कैसे कर सकते हैं, हाइड कर सकते हैं, तो आज हम बताने वाले हैं सैमसंग फोन में। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं, तो आप देख सकते हैं कि फ़ोन के आइकन्स हैं शो हो रहे हैं इस तरीके से। तो सिंपली आपको स्वाइप करना है, स्वाइप करते ही ऑल आइकन्स ओपन हो जाएंगे। सिंपली आपको जाना है फाइल ऑप्शंस पे, फाइल ऑप्शंस पे जाकर इस तरीके से ओपन हो जाएगा। इस पे जाकर फोटो वीडियोस को हाइड कर सकते हैं और छिपा सकते हैं। सिंपली आपके पास ऑप्शन आ जाता है तो इमेज गैलरी पे चले जाना है। इमेज गैलरी पे जाकर जो भी फोटोज़ को हाइड करना है पहले सेलेक्ट करना है एंड आप थ्री डॉट पे चले जाना है। फिर आपके पास मूव टू सेव फोल्डर का ऑप्शन आ जाता है, इस पर टैप करते ही, और आप पैटर्न डाल देना, जो भी पैटर्न होगा पैटर्न डालते ही फोटो से आपके फ़ोन में हाइड हो जाएगी। तो इस तरीके से फ़ोटोज़ को हाइड कर सकते हैं और फोटोज़ को छिपा सकते हैं फाइल ऑप्शंस में। एंड आप देख सकते हैं कि वीडियोस को भी हाइड करना चाहें तो कर पाएंगे। सिंपली आप देखते हैं कि वीडियोस को भी हाइड कर सकते हैं, थ्री डॉट पे जाकर मूव टू सेव फोल्डर पे क्लिक करते ही आपके फ़ोन की वीडियो भी हाइड हो जाएगी। तो इस तरीके से फ़ोटो एंड वीडियोस को आप हाइड कर सकते हैं और फोटोज़ को छिपा सकते हैं फाइल ऑप्शंस में। इसका आप यूज़ कर सकते हैं और आप इनको शो करना चाहें तो कैसे देख सकते हैं, तो सेव फोल्डर पर जाकर पैटर्न डाल देना है और यहाँ पर फोटोज़ वीडियो शो हो जाएगी जिनको आप देख सकते हैं। या फिर किसी भी फोटोज़ एंड वीडियोज़ को डिलीट करना चाहें तो डिलीट भी आप कर सकते हैं, इस तरीके से परमानेंट डिलीट हो जाती है। या वापस स्क्रीन पर शो करना चाहें तो मूव आउट करके स्क्रीन पर भी शो कर सकते हैं। तो इस तरीके से फोटो वीडियोज़ को हाइड कर सकते हैं फाइल ऑप्शन पर जाकर, और आप इसका यूज़ भी कर सकते हैं। तो आपको वीडियो चाहिए तो लाइक एंड सब्सक्राइब।